अरे कितनी देर करेगी जल्दी कर। अरे हाँ कर ही तो रही हूँ, आज करवा चौथ जो है साल में एक बार आता है ये व्रत। अरे चंपा जल्दी कर, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ आ रही हूँ। लो गुरु करो उद्घाटन। चिलम चमेली फुगदे नवला की हवेली, बम भोला शंकर काटा लगे न कंकर, दुश्मन को तंकर। क्या बात है। मैं सारा गांव ढूंढते ढूंढते थक गई और तुम यहाँ बैठे बैठे गांजा पी रहे हो। अब बात ये है बेटी। क्या? आजकल मेरी पाचन शक्ति कम हो गई है ना। अच्छा। जी ने कहा क्या दिन में एक आध बार चिलम पी सकते हो। अच्छा, हाँ, अच्छा। इसलिए अभी उद्घाटन कर रहा है। उद्घाटन कर रहे थे। मामा पाचन शक्ति ठीक रखने के लिए बस यही एक दवा रह गई थी। उसने कहा। अच्छा उसने कहा था। मामा झूठ बोलने से पहले कम से कम इस माला का तो ख्याल रखा करो। ये माला मेरे गले में थी। नहीं मेरे गले में। अनर्थ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। बस करो नाटक मामा, बहुत हो चुका। चलो अभी घर चलो, खाना तैयार है। मेरी पाचन शक्ति मैं ठीक कर देती हूँ। चलो घर चलो, अभी सब ठीक कर देती हूँ। हाँ। मंगला दीदी को आने दो। मंगला दीदी कहाँ गई है? मामा को बुलाने। मामा जी आ गए। कर ले आई। आओ मामा। तैयार। मामा जी आज करवा चौथ है। करवा चौथ? अरे वाह, आज रात को भोजन करने में बड़ा आनंद आएगा। भाई वो क्या कहते हैं, लवण भास्कर चूर्ण। ओ जा मुझे लिख के देना। और सुनो आज प्रसाद क्या बनाओगे? जो आप कहेंगे मामा जी, परंतु आपको थोड़ी मेरी मदद करनी पड़ेगी। घबराओ नहीं, सब मैं करूँगा, सब मैं करूँगा। 5 साल काशी में रहा हूँ, कोई झक नहीं मारी है। अच्छा? हाँ, 5 साल में प्रणाम पत्र। प्रणाम नहीं, प्रमाण पत्र मामा, प्रमाण पत्र। हाँ प्रणाम पत्र। भाभी जल्दी करो ना। क्यों, भूख लगी है? नहीं, उत्सव शुरू होने वाला है। Yeah.
अपने सुहाग की रक्षा के लिए। ये व्रत रखने से उनके पति पर कभी कोई संकट नहीं आता और अगर आ भी गया तो उसका निवारण हो जाता है। तो मैं भी ये व्रत रखूंगी। गंवारी लड़कियां ये व्रत नहीं रखती। लेकिन इस व्रत में माँ पार्वती और चंद्रमा दोनों की पूजा क्यों होती है? चंद्रमा के उदय होने से हमें पता चलता है कि हमारा व्रत पूरा हो गया, इसलिए हम चंद्रमा को भी पूजते हैं और उन्हें अर्घ भी देते हैं। भाग्यवान, मेरी भी तो कुछ सुनोगी? क्या खास सुनो, लाड जतन किया होता वही है जो भाग में लिखा हो। बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, तीरथ बरत जंतर मंतर सभी कुछ किया। लगता है हमारे भाग में संतान का सुख है नहीं। अरे भाग्यवान, भगवान का लिखा हुआ कोई मिटा सकता है? अब तो आनंद का ब्याह हो तो इसी से कुल का नाम चले। अरे रानी, ये तो तुमने लाख रुपए की बात कही। मैंने उसका ब्याह तय कर दिया है। तय कर दिया? कहाँ, कौन है लड़की? ये लो, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, मेरी छोटी बहन रंभा से। रंभा से? क्यों, क्या कमी है रंभा में? क्या वो आनंद के लायक नहीं? ये तो मैंने नहीं कहा। तो फिर रंभा ऐसा क्यों कहा जी? बात दरअसल ये है कि ये बात मेरे भेजे भी नहीं बैठी। तुम्हारा भेजा हो तब ना। नहीं है, लेकिन एक बात मेरे ध्यान में नहीं है। तुम्हारे ध्यान में? जरा आनंद से पूछ ले। क्यों, किस लिए? तुम्हारा ब्याह तुमसे पूछ कर हुआ था? जब मेरे माँ बाप ने मेरा ब्याह तय किया तो मैं नादान था। आप कौन से सयाने हो गए हो? कोई और आ जाएगी तो दो दिन में अपने भरत को लेके अलग हो जाएगी। हमारा क्या ले जाएगी, अपना भाग ले जाएगी? इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम भोंदू हो। भोंदू? मैं भोंदू हूँ? हाँ, अरे इतना भी नहीं समझते कि पहले तो वो आधे पे हाथ मारेगी, फिर बाल बच्चे होने के बाद पूरा हड़प कर लेगी। तो क्या वो हमारे बच्चे नहीं होंगे? अरे वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, उसके बच्चे हमारे क्यों? अरे तुम्ही तो कहती थी कि आनंद के औलाद से घर में आस होगी। वो तो तब, मेरी बहन रंभा इस घर में ब्याह कर आएगी जब। तब? मैंने कोई कच्ची गोली नहीं खेली है। इधर मुझे देवर जी का रंग ढंग बदला हुआ नजर आया तो इसीलिए रंभा को बुलाने के लिए उसी को मैंने भेजा। वाले तुम्हारे माधवपुर नाम से पहले पहुंचेंगे या नहीं? Oh.
राम राम राम, कौन है ये? क्या हुआ इसे? ये तो अच्छे से मालूम पड़ता है। पता नहीं बेचारा कहाँ जा रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, इसे अपनी कुटिया में ही ले चलो। मोहन, ओ मोहन, चामू, सब के सब गायब। दिन निकला नहीं कि घर से गायब। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ इन लोगों से। ओहो माँ, क्यों आसमान सर पे उठाती हो? खेल रहे होंगे कहीं बाहर। तेरे ही लाड ने इन लोगों को बिगाड़ रखा है। ओ माँ, कितनी नाराज होती हो। तू ही बता, ये फल लेकर बाबा के पास कौन जाएगा? माँ, मैं तो मंदिर जा ही रही हूँ, जाते जाते सन्यासी काका को फल पीते जाऊंगी। बस अब तो खुश हो? जाऊं? अरे गणेश, तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा गर्म पानी लेके आ। अच्छा अच्छा ठहर, तू जरा ऐसे देख, मैं लेप लेके आता हूँ। ये भी कोई देखने की चीज है? स्वामी जी भी कैसे, एक तो जगह कम, ऊपर से एक और। पुजारी काका, पुजारी काका, पुजारी काका, पुजारी काका कहाँ है? पुजारी काका कहाँ है? अरे बाबा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, पुजारी काका कहाँ है? ओ गणेश, अब तुम यहाँ हो ना, तुम इनको देखो, मैं जाता हूँ। अरे अरे गणेश, मैं जाता हूँ। हमारे गांव की लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, मंगला। मंगला? हाँ, अच्छा हुआ बेटी तू आ गई, मैं अकेला कहां तक इसे संभालता। लगता है बेचारे को बहुत चोट लगी है। ले ये जरा लेप इसको लगा दे। सन्यासी बाबा, मैं क्या हुआ बेटी, सेवा करना तो नारी का धर्म है। ले गणेश, ओ गणेश, के डाले झूला पड़ा है, कदम के डाले झूला पड़ा। अरे क्या बात है, आपकी चोटी कुएं के पास गिर पड़ी है? मेरी चोटी गिर पड़ी है? हाँ। अरे बड़ी शरारती है, नहाते वक्त गिर पड़ी होगी। अच्छा क्या तुमने बता दिया, वरना कोई उठा ले जाता। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? आपकी चोटी तो आपके सर पर है। अच्छा, ठहरो, मूर्खो, मुझसे दिल नहीं करते हो? ठहरो, मंगला को आने दो, एक एक को ठीक करता हूँ। मंगला दीदी घर तो नहीं है। किधर गई है? मंदिर में। लो
बेटा। बाबा जी आप लो बेटे, ये तुलसी की चाय है, तुम पियो, तुम्हारे शरीर को आराम आएगा। बाबा जी आप यहां ना होते तो ना जाने मेरा क्या हाल। नहीं बेटा, ये तो सब प्रभु की लीला है, मारने वाले से बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं। पूजा का समय हो गया, तुम आराम करो, मैं मंदिर जाता हूं। हरिओम हरिओम। बस एक यही वरदान आज हम मांग रहे करतार से, हर दिल दुखी को गले से लगा कर अपना बना ले प्यार से। हमारी विनती है भव सिंधु के तारनहार से, भक्ति के सहारे हम लाए किनारे हर नैया मझदार से। बगिया की हर डाली झूमे बहार से, बस एक यही वरदान, बस एक यही वरदान आज हम मांग रहे करतार से, हर दिन दुखी को गले से लगा कर अपना बना ले प्यार से। तुम रे तो हजार
भारत में हिंसा के हथियार से बस एक यही वरदान, बस एक यही वरदान आज हम मांग रहे करतार से। हर दीन दुखी को गले से लगा कर अपना बना ले प्यार से। सोचा है तूने? वही तो सोच रहा हूँ माँ, मंगला के लायक कोई लड़का भी तो होना चाहिए। इले देखे एक ही तो बहन है। भाइयों के प्यार को मैं समझती हूँ, पर लड़की होती है पराया धन। अरे तू तो बेकार की चिंता करती है माँ, मंगला के साथ भाई हैं साथ। अरे ये तो तेरी बहानेबाजी है, मंगला अब बड़ी हो गई है, लोगों के बातें करने से पहले ही उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। अच्छा माँ, अब मैं मंगला के लिए अच्छा सा वर्ड ढूंढता हूँ बस। ननंद रानी, चुपके चुपके क्या बातें सुन रही है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। क्या मैं भाभी, तुम भी ऐसी हो। अरे सुना तो, कल से खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं थी। झूठ, सरासर झूठ। अब बताओ, दो दिन से तुम क्यों नहीं आई? अच्छा तो ये बात है, इसलिए रुठे हो। तुम क्या सोचते हो, मैं जानबूझकर नहीं आई? नहीं नहीं, तो ऐसी बात नहीं मंगला। फिर तुम नहीं आती तो सब सुना सुना लगता है। एक दिन तो क्या, तुम्हें देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अब बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? अच्छा बाबा ठीक है, कल से रोज आया करूंगी बस। ये कभी नहीं हो सकता, मंगला मेरी है, सिर्फ मेरी। वो वरमाला डालेगी तो सिर्फ मेरे गले में डालेगी। आप मंगला ही मंगला कहते रह जाएंगे ठाकुर, और उधर मंगला किसी और के साथ रंगदलियां मना रही है। चुप रहो। अगर फिर से ऐसी बात मुंह से निकाली तुमने तो तुम्हारा गला दबा दूंगा मैं। मेरा गला दबाने से आप सच्चाई को तो नहीं दबा सकते ना ठाकुर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चल करके खुद देख लीजिए। माला से मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपने प्यार के बंधन में बांध दिया। मंगला,
माँ हमें आशीर्वाद दो। मंगला 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 कहिए ठाकुर साहब। मंगला गौरी मंदिर से आ रही हो ना? जी हाँ। मेरे घर का मंदिर भी तुम्हारे बिना सूना है, मेरी पूजा अधूरी है। कैसी बातें करते हो ठाकुर, मेरे मन में आपके लिए बहुत मान है। तुमसे प्रेम करता आया हूँ मंगला, आज तक कह नहीं पाया इसीलिए आज मैं। लेकिन मंगला मेरी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मंगला मंगला सुनो तो ठाकुर, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मैं कहता हूँ अब टेढ़ी कर ही लीजिए। कौन था वो? कौन था? बिलासपुर के सौदागर मुकुंद सेठ का छोटा भाई आनंद। मंगला मेरी है। मुझे भी तुम्हारे भैया से इसी तरह प्यार हुआ था रानी, इसकी पीड़ा क्या होती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारी शादी भी वही होगी जिसे तुम प्यार करती हो। भाभी भाभी मंगला, अरे तुम उदास क्यों हो? देखो ये फूल तुम्हारे बालों में कितना अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? अब तुम चले जाओगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, सब सुना सुना लगेगा। अरे पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। देखना ये फूल सूखने से पहले मैं आ जाऊंगा, पर अकेला नहीं, पूरी बारात लेकर आऊंगा। मंगला अभी तक नहीं आए देवर जी, लगता है रंभा ने मन मोह लिया है, तभी तो इतनी देर लगा दी। भैया भाभी राम राम। भैया अरे आनंद बहुत देर लगा दी तूने। मतलब देवर जी रंभा नहीं आई? रंभा नहीं आई? क्यों? क्या मालूम नहीं आई भाभी। क्यों मगर? मुझे क्या मालूम, बोल रही थी मैं नहीं आऊंगी, नहीं आई। क्यों? अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हो? आई आई ऊपर है, जाओ अपनी बहन को संभालो। रंभा ने आते वक्त रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं दी तुमको? नहीं नहीं, अपनी बहन से पूछ लो। क्यों देवर जी, मेरी बहन रंभा कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी। अच्छा भैया मैं जाता हूँ, थक गया हूँ, जरा आराम करना चाहता हूँ। अरे जरा बात सुन बेटे। नहीं नहीं मैं जाता हूँ। अरे अरे, अरे भाभी जल्दी ऊपर जाओ। हाँ हाँ जाऊंगी। लड़का बड़ा प्यारा है। क्यों जी, दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी? तुम्हारे और हमारे जैसे ना हो बस। क्यों, हमारे में क्या कमी है? कमी रानी तुम में नहीं है, कमी मुझ में है। हाँ आनंद, 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 अरे आनंद, अरे इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे कहना चाहते हो? हाँ। कहो बेटे कहो। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, कैसे बुरा मान सकता हूँ भैया। मैं भाभी जो कुछ भी कह रही है वो मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों, क्या बात है, तुझे रंभा पसंद नहीं? बात पसंद की नहीं है भैया। फिर दरअसल बात यह है कि मैं बोल बोल क्यों घबराता है भैया। मैं सीतापुर के जगन्नाथ जी की छोटी बहन मंगला को वचन दे चुका हूँ, हम दोनों मन वचन से एक दूसरे के हो चुके हैं। आनंद तूने ये क्या कर दिया, तू तो अपने भाभी को जानता है। जानता हूँ भैया, भैया बचपन से तुमने मेरी सारी जिदें पूरी की है, आज ये जिद भी पूरी कर दो। भैया तुम्हारे सिवा मेरा है भी कौन, मेरे वचन की लाज रख लो भैया। तुम हमारे इस पवित्र संबंध पर अपने आशीर्वाद की मोहर लगा दो। भैया क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं मंगला से ब्याह करके सुखी बनूं?
बोलो भैया, तुम नहीं चाहते हो कि मैं सुखी बनूं? आनंद, तेरी खुशी मेरी खुशी है। भैया कहो क्या इरादा है? अच्छा तू मत कुछ कहे, मैं जो कहती हूँ सुन और समझ। देख, मैं नहीं चाहती कि इस घर का हकदार दूसरा कोई हो। आनंद की संतान ही इस घर की मालिक होगी, इसलिए ये शर्माना छोड़ और जल्दी से आनंद से नाता जोड़, समझी? भैया, मंगला मेरी गुड़िया, तुम आज ये घर छोड़कर जा रही हो। इस घर की लाज अब तुम्हारे हाथ है बहन, तुम्हारे हाथ। भगवान सदा सुखी रख, सदा सुखी। मंगला, मंगला जी, हम गरीब जरूर हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ एक आशीर्वाद ही दे सकते हैं। अपने घर जाकर हमें भूल मत जाना। बेटी, आज से तू पराए घर जा रही है। दोनों घरों की मर्यादा तुझे निभानी है। याद रखना, स्त्री की डोली बाबुल के घर से जाती है और पति के घर से अर्थी। आज से पति ही तेरे परमेश्वर है, इनकी आज्ञा मानना तेरा धर्म है। बेटा, बड़ी लाड से पली है मंगला, अगर इससे कोई भूल हो तो क्षमा करना। चिड़िया निकल गई सरकार। फटको, चले पर नमक मत छिड़क, मेरे सीने में चिंगारियां फूट रही हैं। ऐसा तो होना ही था ठाकुर, लेकिन आके ठाकुर ने इतना कड़वा घूंट कभी नहीं पिया। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा, ठाकुर ने जो चाहा सो हो के रहेगा। तुम्हारी भाभी को बुला के लाता हूँ। अरे रानी सुनती हो, अरे खुशियाँ मनाओ। क्या गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हो, क्या हुआ? अरे मैं तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। आनंद है ना आनंद, तुम्हारे लिए देवरानी लाया। ओ, क्या? जाओ जाओ जल्दी उन लोगों का स्वागत करो। तो तुम चाहते हो कि मैं उस छम्मक छल्लो का स्वागत करूँ और घर में घी के दिए जलाऊँ? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम माँ समा उसकी बड़ी भाभी हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। चलो चलो। कर्तव्य है? अरे ओ, मेरा क्या मुँह खड़ी खड़ी ताक रही हो? जा, तेरी नई मालकिन आई है, उसके लिए आरती का थाल सजा। भाभी कैसा लगा हमारा घर? बहुत ही सुंदर है, और हमारे घर के लोग सभी बहुत अच्छे हैं। तुम, बड़े भैया, बड़ी भाभी। अच्छा मैं जाती हूँ।
गौरी, अरे अरे अरे, तू कहाँ जा रही है? अंदर जाइए, भाभी आपका रास्ता देख रही है। गौरी को शरारत कर रही थी, तुम्हें छेड़ रही थी? नहीं तो, वो तो बहुत अच्छी है। और मैं? छोड़िए भी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, छोड़िए। कोई देखेगा तो क्या होगा? समझी? जीते रहो बेटे, जीते रहो। आज बहू के हाथ का बनाया खाना खा रहे हो? अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा? क्या खाना अच्छा? तेरा सारा मुंह जल गया। अरे तेरी माँ ने तुझको खाना बनाने नहीं सिखाया क्या? अरे जरा सुनो तो। बैठो जी। क्या सुनो? अरे बैठी बैठी मेरा मुंह क्या ताक रही है? जा जाके कुछ मीठा ले आओ, थोड़ी खीर ले आ। खाना भी बनाना नहीं, नहीं आता बहू है, जरा उसे प्यार से समझाया करो, हो जाता है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? क्या है? अपनी आंखों से देखो, जिन्हें आप प्यार देना चाहते थे वही आपको जहर खिला रहे हैं। चांद जैसे मुखड़े पे बादल कैसे छा गए? क्या हुआ मंगला? क्या? अरे ये तो बारिश भी हो रही है। चलो हटो। क्या हुआ बता तो सही। आज मैंने बड़े प्यार से सबके लिए खाना पकाया था। हाँ? उसमें छिपकली गिर गई। छिपकली गिर गई? हाँ। पर तुमने तो नहीं गिराई, इसमें रोने से कौन सी बात है? जाने भैया दिल में क्या सोचते होंगे। देखो भैया का दिल इतना छोटा नहीं, ये छोटी मोटी बातें वो नहीं सोचते। ए, दे दे, चलो ये आंसू पोंछ डालो, मुंह घुमाओ, अब मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। मैं कहता मुस्कुरा दो, मैं कहता मुस्कुरा। गौरी, ओ गौरी, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं। मालकिन, मालकिन, मैं तो सुनता हूँ। तू क्या खाक सुनता है? मालकिन, आज घर में सब्जी क्या बनेगी? मेरा सर। जी बहुत अच्छा। मालकिन, लेकिन आज तो मैंने आपका सर कभी नहीं खाया। पूरे सर पे चढ़ के आया है, लगता है नई महारानी अभी तक सोई है। मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन है। रामू, तेरे छोटे मालिक अभी तक नहीं आए? छोटे मालिक? वो तो आपके लिए नीचे कभी से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चलो। मंगला, चलिए। चलो। अरे ठहर ठहर ठहर। क्यों? पहले एक बात का जवाब दो। रोज तुम गौरी को साथ में लेके मंदिर जाती हो, आज मेरा भाग कैसे चमका कि मुझे साथ में लेके जा रही हो? है कोई खास बात? खास बात? हाँ। बताओ क्या बात है? आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? क्या? अभी नहीं, मंदिर से लौट कर बताओ। पहले बताओ फिर मंदिर आऊंगा। नहीं, पहले मंदिर बाद में बताऊं। नहीं, पहले बताओ फिर आऊंगा। आप नहीं आएंगे कि? नहीं 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 नहीं। ठीक है, मैं अकेली मंदिर जाती हूँ, आप मत आइए। मतलब
मंगला जरा सुनो तो सही। क्या है मंगला? तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। इसके सिवा आपको और भी कुछ सूझता है? जिस हिसाब तुम हो उसे भला और क्या सूझे। मुझे तो इन हवाओं में तुम्हारी खुशबू, इन फूलों में तुम्हारा रूप नजर आता है। लेकिन इस घर में जब कोई मेहमान आ जाएगा तो आप मुझे पूछेंगे ही नहीं। मेहमानों की चिंता मैं क्यों करूं? घर में भैया है, भाभी है, नौकर है। आप तो कुछ समझते ही नहीं। तो समझने वाली क्या बात है? अरे मंगला, इतनी देर तक भगवान से तो अरे वो बात तो नहीं बजे, खुशी की कौन सी बात है बता तो सही। अब जल्द ही हमारे घर में अपने प्यार की निशानी आने वाली है। प्यार की निशानी आने वाली? प्यार की? मंगला, प्यार की निशानी? भैया भाई, जयपुर के भगवान सिंह के 2000। भैया 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 7000। अरे आनंद तू आ गया? आपने मुझे बुलाए थे? हाँ, वो गए साल का हिसाब किताब ठीक हो गया है, उसे देख लेना। मुझे क्या देखने की जरूरत है, सब ठीक ही होगा। अरे भाई देख लेना, इतनी जल्दी भी क्या है। रामू पानी ले आ। अभी लाया। अरे हाँ, अगले साल के व्यापार यात्रा का मुहूर्त निकाल चुका हूँ, चलने की तैयारी कर। तैयारी? भैया मैं आपके पास नहीं जा सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकता, बीमार है? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर बात क्या है, मुझसे खफा हो गया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर बात क्या है भैया? मंगला की तबीयत खराब है। तबीयत तो खराब नहीं। अरे फिर वैद्य को बुला लेते बेटे। मंगला मंगला, क्या ओ, मंगला मां बनने वाली है। मंगला मां बनने वाली है। अरे ये हमारे घर में बच्चा आएगा परसों के बाद भगवान। अरे अनन, अरे रानी, अरे रानी सुनती हो? अरे पानी रही, मिठाई ले आ। अरे तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? अरे चल तेरी भाभी को खुशी की खबर सुनाए। अरे सुनती हो आनंद की भाभी? अरे वहाँ से उठकर यहाँ आओ तो मैं सुनाऊँ खुशी की खबर। क्या सुनो, कौन सा खजाना मिल गया है? अरे खजाना ही मिल गया है मेरा आनंद। जानती हो मेरे साथ नहीं आना चाहता है, किस लिए? मेरी बात सुनो। किस लिए? सुनो, सुनाता हूँ। ओ क्या सर, है ना खुशी की बात? ऐसे बढ़कर खुशी की कौन सी बात हो सकती है? पर देवर जी ये तो बताइए, अपना काम धंधा छोड़कर घर में क्यों बैठना चाहते हो? बच्चा तो बहू को होने वाला है। हाँ। तुम क्या बहू के पास बैठकर एक एक दिन गिना करोगे? नहीं, नहीं। ऐसी कोई बात नहीं भाभी। तो फिर भाभी पर भरोसा नहीं रहा देवर जी का? भाभी ऐसा ना कहो, तुम्हारे और भैया के सिवा मेरा और है कौन? जिस घर में औलाद की आस होती है वो इस तरह अपना सब कारोबार छोड़कर पत्नी का पल्ला बांधकर नहीं बैठते देवर जी। ये भी नहीं बैठेंगे दीदी, ये जरूर जाएंगे। शाबाश बहू, सुन लिया? बहू मैं भी आनंद के साथ जाऊंगा और खुशी के दिन से पहले हम दोनों लौट आएंगे। आओ। आखिर क्या हो गया है आपको?
बड़ा हो गया है। सुनिए तो, बोलते क्यों नहीं? ओहो, इतना गुस्सा। मैंने जब भैया भाभी से कह दिया था अगर के लिए मैं नहीं जाऊंगा, फिर क्यों क्यों है तुम कहने लगी कि मैं जाऊंगा? आपके भैया के साथ न जाने से भाभी को बहुत दुख होता। ओ, भाभी को बहुत दुख। भाभी का दुख का इतना धन और मेरे मन पर जो बीतेगी उसका कोई धन नहीं। भाभी को दुख होगा, भाभी मंगला, मैं तुम्हें छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता मंगला। और क्या आप ये समझते हैं कि आपसे अलग होकर मैं खुद रह सकूंगी? फिर तुम मुझे क्यों जाने के लिए कह रही हो? आपने सुना नहीं भाभी कैसे ताने दे रही थी? भाभी ताने दे रही थी? भाभी के ताने के मैं परवाह नहीं करता। देखिए, आज भाभी ने ये शब्द कहे, कल सारी दुनिया कहेगी कि छोटी बहू ने अपने पति को पल्लू से बांध के रखा है। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारा अपमान करे। पर मंगला मेरी सुनो तो। बस, अब आप और कुछ न कहिए, आपको मेरे सौखंड। मंगला स्वामी, मंगला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अच्छा भाग्यवान, अब हम दोनों चलते हैं, जरा घर का ख्याल रखना और मंगला का भी ख्याल रखना। हाँ हाँ, मैं समझ गई, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है, हम चलते हैं। चलो आनंद। अच्छा ये बात है भाई साहब, चलिए 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 चलिए। करवे ले लो, करवे सुहागनो, करवे ले लो। मंगला, अरे ओ मंगला। आई दीदी, क्या है दीदी? ये सब क्या है? दीदी आपको पता नहीं, आज करवा चौथ है। आज के दिन सुहाग ने अपने पति की खुशी और लंबी आयु के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं और चंद्रमा की पूजा करके अपना व्रत खोलती हैं। ये सब ढोंग हमारे यहाँ नहीं चलेगा। दीदी चुप। रंभा, रंभा, अरे ये सब क्या हो रहा है? दीदी मुझे घर भेजने का प्रबंध कर दो। अरे पगली, फिर ये घर किसका है? पर अब क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो एक मोहरा पिटा है और बाकी बहुत कुछ है। अरे पगली, तू देखती जा मैं क्या क्या करती हूँ। अरे ये मुंह लटकाए क्यों बैठे हो बेटा? मामा आ? हम दीदी के बगैर नहीं खाएंगे। बेटा देखो बेटा, एक दो दिन में दीदी को बुलवा कर हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। नहीं मामा, खाने आप भी तो खाना खा लो। उठो उठो, चलो बेटा चलो। आइए आइए, सवेरा हो गया महारानी जी। माफ करना दीदी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हाँ हाँ दीदी, देखो ना बेचारी पलंग पर लेटे लेटे ही थक गई। देखो मंगला, अब ये बहाने बहुत हो गए। दीदी रात के बर्तन वैसे ही पड़े हैं, बर्तन कब सफा हो गए, रसोई कब चढ़ेगी? मैं धोबी को कपड़े दे आता हूँ। अरे देखता नहीं, बरसात का मौसम है, भट्टी कब चढ़ेगी, कपड़े कब आएंगे? देखो तो मंगला जी। सुनो तो जरा, बर्तन सफा होने के बाद कपड़े भी तुम ही धो लेना। हाँ। ओ मालगी, कपड़े मैं धो लेता। देखता क्या, चल जा यहाँ से।
बहू। क्या बात है मामा? बहुत बड़ा शुभ समाचार लाया हूँ। शुभ समाचार? हाँ। तो सुनाओ ना मामा। अब मोती चूर के पहले लड्डू खिला। मोती चूर के लड्डू क्या मामा? गुड़ की जलेबी खाओ। हाँ, चलेगी 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 ना। तो पहले शुभ समाचार सुनाओ। वो समाचार क्या? समाचार बहू, मंगला गया बच्चा होने वाला है। सच मामा? ओ, मामा कभी झूठ बोला है? भगवान आपको 100 साल की उम्र दे मामा। धन्यवाद मामा। मंगला का पहला बच्चा हमारे घर होना चाहिए। अवश्य अवश्य। दो सेर जलेबी, दो सेर बर्फी, दो सेर हाँ, और डेढ़ सेर बादाम, ये सब बांध कर देंगी तो मैं ये चला। मामा ये तो चावल है। ओ, मैं बादाम बर्फी लेकर आती हूँ। अच्छी बात, जल्दी लेके आना। आजकल ये गाय दूध कम क्यों दे रही है? मुझे तो लगता है रामू पी जाता होगा। मंगला, अरे ओ मंगला, क्या है दीदी? देखो, कल से दूध तुम दो लिया करना, नौकरों को चोरी की आदत पड़ गई है। हाँ? अच्छा दीदी। थापने में शाम कर दोगी तो घर का काम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? बर्तन कौन मांजेगा? जल्दी करो। आती हूँ आती हूँ। इस हालत में भी बिचारी से कितना काम करवाते? क्या करें बहन, न जाने बिचारी किस जन्म का पाप भोग रही है। ये लोग कितने नीच हैं, इस हालत में भी बिचारी से कितना काम करवाते? क्या करें बहन, न जाने बिचारी किस जन्म का पाप भोग रही है। बच्चा होने वाला है, दो घड़ी चैन से बैठने भी नहीं देती। जिठानी खुद नहीं माँ बन सकी तो दूसरे का माँ बनता देखकर कैसे खुश होगी। वाह 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 वाह, इतने बड़े मकान में मेरी बेटी रहती है, क्या बात है। धन्य हो भगवान, धन्य। मुकुंद भैया, मुकुंद भैया। मामा जी। कहाँ जा रही हो? मामा जी आए। आइए आइए पधारिए, हमारे बड़े बाप जो आप हमारे घर पे आए हैं, आइए। बैठिए बैठिए। क्या पिएंगे आप? पिएंगे? मुकुंद सर कहाँ है? जी वो सब लोग व्यापार के लिए बाहर गांव गए हैं। ओ, आप
मंगला से मिलने आए हैं ना? मिलने नहीं, अच्छा? उसे लेने आया हूँ। अच्छा जी, आप कुछ ही दिनों में नाना बनने वाले हैं? मैं? नाना? नाना? मैं नाना बनूंगा। बधाई हो। शुक्रिया। बधाई हो आप। इसी हालत में मंगल आपको। नहीं 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 बहुरानी, बहुरानी, धीरज रखो बहुरानी, न जाने कैसा जीव आ रहा है, माँ की आधी जान लिए जा रहा है। उठो बहू, लो थोड़ा गरम दूध पी लो। क्या दूध पिला दिया? जी हाँ। डायल, एक औरत होकर किसी औरत की गोद सुनी करने जा रही है। भगवान तेरी गोद हमेशा सुनी रखेंगे, 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 हमेशा सुनी रखेंगे। मैं इसे नहीं मरने दूंगी। मुझे माफ करना, मेरे अपराध क्षमा करना। मैंने एक औरत होकर किसी माँ की गोद सुनी की है। भगवान मुझे माफ करना, भगवान माफ करना, भगवान क्षमा करना। मालकिन, बच्चे को फेंक गई? हाँ। ये क्या लाई? सांप। ये क्यों लाई? मंगला के पास रखने के लिए। वाह लखिया वाह, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। शाबाश, जा रख क्या। रख दिया ना? जी हाँ। मंगला बेहोश है? बेहोश है। आओ बैठो। तू खैर, मैं तुझे बुलाऊंगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ? क्या हुआ मंगला, क्या हुआ? आप ये कहाँ से आ रहा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे बच्चे को। है, तू रो मत, मैं अभी पूछती हूँ दाई से। लखिया, अरे ओ लखिया। जी मालकिन। लखिया, इसका बच्चा कहाँ गया? ये सांप कहाँ से आया? मालकिन, मैं आपसे यही कहने के लिए गई थी कि इन्होंने सांप को जन्म दिया है। क्या? सांप को जन्म दिया? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है लखिया? अरे कैसे हो सकता है, तू होश में तो है? मालकिन, आप विश्वास करें या ना करें, मगर ये सच है, इन्होंने सांप को ही जन्म दिया है। हे भगवान, मेरी कोई संतान नहीं। सोचा था मंगला की संतान को मैं अपनी संतान समझूंगी, लेकिन लेकिन तुमने मेरी इच्छा भी पूरी नहीं की। दीदी, मंगला ने जन्म दिया वो भी सांप को। दीदी, आज तक किसी स्त्री ने सांप को जन्म नहीं दिया। इसके पीछे जरूर कोई भेद है, मेरी आत्मा कह रही है। लेकिन लखिया कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं नहीं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं मंगला, सब मेरे ही दुर्भाग्य का परिणाम है। दीदी, 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 अरे सुना तुमने, छोटी बहू के पेट से सांप पैदा हुआ है? अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ बाल वालों को बुला के ले आओ।
नहीं तो कल मेरा देवर मुझे दोष देगा। क्यों जाओ, तुम भी जाओ साथ में। देख लो, मेरी देवरानी ने सांप को जना है। औरत के पेट में सांप पैदा हुआ। अरे जाओ, आओ आओ मेरे पास आओ। तुम सब लोगों ने देख लिया है, तुम सब लोग गवाह हो कि मेरी देवरानी ने सांप को जन्म दिया है। हाय राम, ये कैसी आदमी, औरत के पेट में सांप पैदा हुआ। हाय राम, ये तो चुड़ैल है। देखती क्या हो, चूंटे से पकड़कर सांप को जंगल में फेंक दे। मंगला, मंगला क्या हुआ? अनंत क्या हुआ बेटे? भैया मैंने एक भयानक सपना देखा, मेरा मन घबरा रहा है। भैया घर चलो। अरे पता नहीं मंगला, अरे मंगला को क्या होगा? मंगला ठीक ही होगी बेटे, तू क्यों घबरा रहा है? सही बात है, घर पे भाभी है, सब लोग है, फिर भी भैया मेरा मन घबरा। पगले तूने सपना देखा है। सो जा। शाबाश। दीदी। क्या? मेरे बेटे को भूख लगी है, थोड़ा सा दूध ले लूं? सांप को दूध पिलाओगी? दहेज में तुम्हारे भाई ने दो चार भैंसे नहीं दी थी, समझे? वो भूख से तड़प रहा है दीदी। तो मैं क्या करूं? एक तो सांप को जन्म दे के हमारे मुंह पे ताली मल दी और ऊपर से उसके लिए दूध मांग रही हूँ। अरे अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक नदी नाले में कूद के मर जाती, समझे? चल जा मेरे सामने से। बड़ी निर्लज्ज है, मैं तो इतना अपमान सहन नहीं कर सकती। ठीक है तू जाके देख ले, कहीं दूध तो लेने नहीं रही है। दीदी दीदी, सांप दूध पी रहा है। तो ये होता कि तुम मुझे ही दस लेते। बहुत ही अच्छी साड़ी है, जा जाके ऊपर अलमारी में रख दे। अच्छा। मालकिन, मालकिन, मैंने तो बहुत ढूंढा तो मुझे चीनी नहीं मिली। आज तक तुझे कोई चीज मिली है जो चीनी मिलेगी? जिंदगी भर तू कभी सुधरा ही नहीं। अरे रामू, तू तो बुद्धू का बुद्धू ही रह गया। ये क्या, यही तो रखी थी? अरे चीनी की बरनी तो यही रखी थी, रंभा ने शायद वहां रखी होगी। कहां रखी थी? राजू, राजू तू यहाँ क्यों आया? दीदी अब तुम्हें ये नहीं सताएगा, मैं इसे पेटारे में बंद कर दे। पेटारे के बच्चे मेरे घर से। दीदी घर से बाहर मत निकलो। आके दीजिए प्रभु, हमारा कालिया कष्ट में है। मैं अभी लाती हूँ प्रभु। कौन हो बेटी? मुसाफिर।
कहाँ जा रही हो? जहाँ भाग ले जाएगा। सांप! सांप! नहीं माँ, ये मेरा बेटा है। सांप? और तुम्हारा बेटा? हाँ माँ, ये मेरा बेटा ही है। मैंने ही इसे जन्म दिया है। ये मेरी आंखों से ओझल हो जाता है तो मैं बेचैन हो उठती हूँ। लेकिन माँ, तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसाफिर हूँ बेटी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। समझ गई, तुझे भूख लगी है ना? तू यही ठहर जा, मैं कहीं से तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। अच्छा, कालिया, मंगला तेरी धर्म की माँ है, इसकी हर मुसीबत में सहायता करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बेटा, हम दोनों को भूख लगी है, समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे आया गंगू की माँ, बड़ी जोर से भूख लगी है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या लाई तुमने? हाथ हाथ धो करके ऐसे ही खा लोगे? अरे तू कब से बंद ताहिन बन गई? चलो आप। अरे भूखे मारे बन जालो पानी, चलो डालो डालो पानी डालो। अरे गंगू की माँ, बड़ी सुंदर लग रही है तू। अरे एक खाने का काम हो गया, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। राजू मेरे बेटे, तू मेरे लिए खाना लेकर आया? आ जा बेटे, शाबाश। लेकिन तूने खाना खाया कि नहीं? शायद, आ जा बैठ। राजू तुम यही बैठे रहना, मैं अभी आती हूँ पानी पीकर। सामने डूब गया। कौन डूब गया? कुछ बोलेगा भी? छोटी मालकिन, मेरे सामने पानी। हे भगवान, अब मैं देवर जी को क्या जवाब दूंगी? मेरी अच्छी देवरानी, अब लेकिन इसमें तुम्हारा क्या दोष है? रामो देखता क्या है, क्या पानी लेके आ? हे भगवान, अच्छा हुआ मर गई। पानी ले आए मालकिन। ला, मुझे कुछ हो गया है, पानी पी लो। अरे भाग्यवान, हम आ गए। अरे कहाँ हो तुम? अरे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या बात है? घर में सब ठीक ठाक है ना? सुनो, बहू रानी अच्छी है? भाभी मंगला अच्छी है ना? है? क्या बात है? अरे कुछ बोलो। ये तो भाग्य की बात है जी, मंगला हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। अभी ये क्या कह रही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है देवर जी, मंगला ने तो सांप जना था, इसलिए शर्म के मारे नदी में डूब कर उसने जान दे दी।
उसे डूबते हुए रामू ने देखा, उसी ने खबर मुझे दी, उसने अपने आंखों से देखा। रानी ये क्या कह रही हो तुम? हाँ ये क्या कह रही हो? अनन 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 ये क्या हो गया? मैंने सोचा था बरसों के बाद घर में एक बच्चा हो, घर में रोशनी होगी, घर जगमगाएगा। ये सब मेरा दोष है। अगर मैं तुझे जबरदस्ती नहीं ले जाता तो मंगला नदी में डूबकर नहीं मरती। आनंद आनंद बोलता क्यों नहीं? आनंद चुप क्यों है तू? आनंद राजू, बेटा तूने मेरी जान बचाई। जय बजरंग बली, खिला दे दिल की कली और हमेशा मिलता रहे गुड़ और मूंगफली। मामा जाओ लो जल्दी जाओ। ओ मामा किधर से बोल रही है? अच्छा इधर है। क्या है मामा? हाँ? किसी दिन मंगला के घर जाके पता तो करो। हाँ? उसे क्या हुआ है? लड़का या लड़की? भाभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गई हूँ। मंगला मंगला भाभी मंगला मंगला क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? बीमार हो क्या? नहीं भाभी बीमार तो नहीं। अच्छा अच्छा चल अंदर चलते हैं। बेटे मंगला ये तुम क्या कह रही हो? सांप तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? भाभी ये बहुत लंबी कहानी। नफरत की आग वो चिंगारी जो हमारे दिल में शोला बन चुकी है, वो एक न एक दिन तुम्हारी हसीन दुनिया को जलाकर राख कर देगी। मंगला तुम्हारा और आनंद का प्यार कहीं एक दिन सपना न बन जाए। लेकिन हमने सुना है कि वो, हाँ सरकार, वो गांव में वापस आ गई है। हाँ। अच्छा वो गांव में वापस आ गई है और ये खुशखबरी तुम हमें सुना रहे हो जबकि तुमने हमें बताया था कि वो डूब के मर गई। क्यों तुम इस तरह मुझे सता रही हो? क्यों मुझे तुम्हें बार बार इस तरह अकेले छोड़कर भाग जा रही हो? मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मंगला, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा मंगला, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने पता लगाया है सरकार, उसका मिलना बहुत मुश्किल है, आप उसे भूल ही जाइए। जिसकी तस्वीर मेरे रोम रोम में बसी है उसे भूल जाऊं? वो बाहर कब निकलती है? पहले तो वो बाहर निकलती नहीं, अगर निकलती भी है तो साथ में जहरीला सांप लेकर। हाँ।
अब ऐसी जगह, ऐसी धरती पर कौन सी जगह है जो ठाकुर के ठोकरों से अनजान है? राजू, मैं पूजा करके अभी आती हूँ। हाँ, कोई नहीं बचा सकता। ठाकुर, तुम ये सारी तुम्हारी दृष्टता है। हाँ, उससे इतना प्यार और अपने पुराने यार को भूल गई? अरे अपना प्यार इधर भी तो थोड़ा बरसाओ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि सब आपका चमत्कार है। मैं पापी हूं, दुष्ट हूं। मंगला पवित्र है, मैंने उसे बहुत कष्ट दिए। मैं प्रयास करूंगा, मैं मेरी सारी जिंदगी मंगला की खुशी लाने में बिता दूंगा। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। इनके दिमाग पे काफी चोट आ गई। वैजी, क्या मेरा भाई कभी अच्छा नहीं हो सकता? क्यों नहीं, भगवान पे भरोसा रखिए, मेरा काम तो है इलाज करने का। वैजी, मेरी धन दौलत सब कुछ आप ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई को अच्छा कीजिए। मुकुल सेठ, से है सावन भादो, मेरे व्याकुल
दुख को मैं समझता हूं। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। तू करवा चौथ का व्रत कर, आनंद अवश्य लौट आएगा। सन्यासी काका। हाँ बेटी। आनंदोई जी, न जाने कहाँ है। तो क्या हुआ, इसी बहाने मेरी बहन के होंठों पे हंसी तो आई, पर फिर मेरा दिल कहता है आनंद जरूर वापिस आएगा। हाँ। भगवान इतना बड़ा अन्याय मेरी बहन के साथ नहीं कर सकते। मंगला, मंगला तू आ गई। क्यों तुम मुझे इस तरह बार बार अकेली छोड़कर चले जाते। मैं तुम्हें छोड़कर एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता मंगला, एक पल भी नहीं रह सकता मंगला। मंगला, मंगला तू मेरी मंगला नहीं। ये हरगिज नहीं हो सकता। गुलाब के खोख से काटे तो हो सकते हैं, लेकिन जहरीला सांप नहीं। इसी में कोई भेद है, चाल है। किसी ने फूल को मसलने के लिए कोई षड्यंत्र रचा। रामू, अरे मालिक रामू। जल्दी से टांगा तैयार कर जा। मालिक कोचान तो बाहर गया, मालूम नहीं कब आएगा। अरे ठीक, अरे टांगा आ रहा है। राम राम सेठ मुकुंदलाल जी, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। अच्छा, सफर से कब वापस आए। कई दिन हो गए। कई दिन हो गए और अभी तक आपने मंगला की खबर तक नहीं ली। मंगला पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली और उसके गम में आनंद पागल हो गया। शेर जी कुछ गलत फहमी है, मंगला ने खुदकुशी नहीं की। नहीं, वो तो जिंदा है, अपने भाई के घर में है। है? मंगला जिंदा है। जी हाँ, मंगला जिंदा है। हाँ। अरे रामू, रामू आया मालिक, मंगला जिंदा है। छोटी मालकिन जिंदा है। हाँ। उसके भाई के घर है। क्या आज उसे ले, अभी लाया मालिक। वैसे चल जी, कहाँ जा रहे हैं आप। वैद्य के यहाँ जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए। तो चलिए मेरे साथ, मैं छोड़ आता हूँ। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया। चलो ना, पूजा की तैयारी करनी है। तुम चलो नैना जी, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, जल्दी आना, अभी आती हूँ। बड़ी भूख लगी है, अभी तक खाना नहीं पका। आज तो करवा चौथ है, चंद्रमा निकलने के बाद ही खाना मिलेगा। तब तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ उपाय सोचेंगे। भैया तुम भी सोचो। सोच लिया, भाभी और मंगला दीदी को नकली चंद्रमा दिखा देंगे। वाह वाह, क्या बात सोची है। दीदी दीदी दीदी, क्या है गोपाल, जल्दी करो। क्यों, चंद्रमा निकल आया है। चंद्रमा निकल आया है। अच्छा तुम जाओ, भाभी को बुला लाना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा दीदी दीदी, जल्दी चलो। मैं चलती हूँ, लेकिन भाभी कहाँ है। उनको कुछ काम है, वो आती होंगी। अच्छा चलो दीदी। वो देखो चंद्रमा कहाँ है। पीपल के पीछे। रानू, चंद्रमा तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। वो पत्तों के आड़ में है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा।
हाँ, अरे हाँ, अब कुछ दिखाई दिया। ले पकड़। बहुत भूख लगी है। हाँ अच्छा चल चल। छोटी मालकिन को लेने के लिए भेजा है। हे ईश्वर, रामू। राम राम मालकिन। विशालपुर को क्या खबर है? ठीक है मालकिन। और तेरे छोटे सरकार कैसे है वो? रामू, रामू बोलते क्यों नहीं? बहुत सख्त बीमार है मालकिन, इसीलिए आपको लेने के लिए आया हूँ। सोने का टका जो तुझे सुहागन होने का आशीष दे उसे दे देना। क्या बात है? वो ठीक तो है? आप बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों है? क्या बात है, तुम चुप क्यों? संसार तो नश्वर है, उसके सामने किसी का बस नहीं चलता। रो मत बेटे, बहू आनंद मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा भी था, मेरा सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया। देख बहू, देख मैंने अपने सीने पे पत्थर रख लिया है, तू भी अपने सीने पे पत्थर रख ले और इसका क्रिया कर्म करने के लिए ले जाएगा। कोई ने हाथ नहीं लगाएगा, इन्हें कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। मैंने सच्चे मन से पति को परमेश्वर मानकर इनकी पूजा की है। एक सत्य के पति के प्राण को यमराज भी नहीं ले जा सकते, तो एक मामूली सांप इनके प्राण नहीं ले जा सकता। यदि मैंने सच्चे मन से चौथ माता का व्रत किया है, तुम्हें माना है, तो उन्हें मेरे पति के प्राण वापस देने ही होंगे। जेठी, जेठी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आंचल फैलाकर आपसे भेंट मांगती हूँ। मुझे करवा चौथ का व्रत करने की आज्ञा दे दीजिए। यदि मेरे पति के प्राण वापस नहीं आएंगे तो मैं उनके साथ सती हो जाऊंगी। जी, जी।
विश्वास है? तू तो करवा चौथ का व्रत रख ले। आपका दिमाग तो नहीं खराब हुआ? मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं, और क्या इस मुर्दे को ये घर में रखेगी? मुकुल सेठ, कभी ऐसा देखा है ना कभी सुना है? मुर्दे का जल्दी अंतिम संस्कार करना होगा, मुर्दा ज्यादा देर तक घर में नहीं रह सकता। मेरा भाई यहीं रहेगा, आप लोग जा सकते हैं। खामोश, आप लोग मेरे साथ आइए। माँ, मैंने करवा चौथ का व्रत मेरे पति की लंबी आयु के लिए किया था, फिर ऐसा क्यों हो गया? बोलो माँ, बोलो, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी तुम मुझे शिक्षा दे रही हो? दीदी, 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 मानो मैं लौट गई, मैं लौट गई। दीदी, दीदी मुझे क्षमा कर दो, दीदी, दीदी मुझे क्षमा कर दो, ये सब मेरे कारण हुआ दीदी, नहीं तो तुम्हारा व्रत भंग नहीं होता। लेकिन मेरा व्रत भंग कैसे हुआ? मैंने तो चंद्रमा को देखकर ही मेरा व्रत तोड़ा था। लेकिन दीदी, जो चंद्रमा तुमने देखा था वो चंद्रमा असली नहीं था। तो क्या चांद भी कभी नकली होता है? चांद तो नकली नहीं होता दीदी, पर हमें भूख लगी थी इसलिए हमने नकली चंद्रमा दिखा दिया। Thank you.
श्रद्धा और भक्ति से प्रार्थना की है उससे मैं प्रसन्न हो गई हूँ। अगले करवा चौथ पर फिर व्रत रखो, तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। धन्य हो माँ। क्या बात है रंबा, बड़ी उदास बैठी हो। बराबर है, जिस घर में मुर्दा हो उस घर में खुशी कहां से आ सकती है। कौन जाने उस मनु से कब छुटकारा मिलता है। नहीं तो दीदी, जितना कष्ट उस गरीब ने उठाया है उसे देखकर पराए को भी हमदर्दी हो जाती। तुम तो फिर भी उसकी जेठानी हो। ओ, अब तो तुम्हें भी उससे हमदर्दी होने लगी। मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं। अरे वाह, ये सब मैंने तेरी खातिर किया है। मेरी खातिर? मेरी खातिर नहीं, अपने स्वार्थ की खातिर, अपने लाभ की खातिर। चुप रह, मैं चुप नहीं रह सकती। मैंने एक देवी का दिल दुखाया है, मैंने एक देवी का दिल दुखाया है। से काम चल जाएगा? हाँ हाँ चल जाएगा। छोटी बहू का क्या हाल है? वो पागल हो गई है, दिन रात मुर्दे के पास बैठी रहती है। उसका तो विश्वास है आने वाले करवा चौथ को आनंद जीवित हो जाएगा। अपना अपना भाग्य है, तुम्हें कोई संतान नहीं। छोटी बहू ने जन्म दिया तो वो भी एक सांप को। उधर रानी कुम्हारन को देखो, भगवान ने उसकी माँ बनने की इच्छा पूरी कर दी और दूसरे का बच्चा उसकी गोदी में डाल दिया। तो कुमारन का बेटा उसका अपना बच्चा नहीं? नहीं बहू, साल डेढ़ साल पहले की बात है। कोई एक दिन का बच्चा उसके कुंडे में रख गया था। एक दिन का बच्चा कुंडे में? जय पार्वती माँ, भोले शंकर। ठाकुर? हाँ? ठाकुर! कौन? क्या बात है ठाकुर? आपकी बात बिल्कुल सच निकली, मंगला की कोख से नाग नहीं लड़का पैदा हुआ था। हाँ हाँ, सच है ठाकुर। ठाकुर ठाकुर, लखिया, वो लखिया, लखिया दस पर बता दे तूने मंगला के बच्चे का क्या किया था। बासकिन, मुझसे उस मासूम का गला नहीं दबाया गया, मैंने उसको कुम्हार के आवे में रख दिया था। माँ, मेरी भूल के लिए दीदी को इतनी बड़ी सजा क्यों दी? माँ, उनका पति वापस दे दो, उनका पति वापस दे दो। माँ, मेरी बिनती सुन लो। माँ, नहीं तो दीदी जान दे देगी। हमारी एक ही बहन है माँ, उससे हमसे मत छीनो। माँ, मेरी बिनती सुन लो। माँ, मेरी बिनती सुन लो। Thank you.
करवे वाली, करवे दे दो। बहू रानी, माता तुम्हारे सुहाग की रक्षा करेगी। ये ले सोने का टका, जो तुझे सुहागन होने का आशीष दे उसे दे देना। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। पड़ी घर ना दो मां, मुझको पिया।
वही सांप है जिसने अनंत को काटा था। माँ, तेरी आज्ञा हमें स्वीकार है।